ले भाई, जोश जोश में लिकड़ आया करते, लिकड़ के जब मेरी भाभी मेरा ताना ना मारे तो क्या नहीं दिन देखना पड़े। तड़कत सांझ उड़ना आली कि तेरे कुण का ठिकाना नहीं, कुछ जानता नहीं, पर चाहे कम हो जाओ ब्यागा नौटंकी नहीं ले जाऊंगा, उल्टा घर बुड़ू भी नहीं। रहा यू शामी बाग दिखन लग रहा, इस समय देखूं देखा बात बन जा तो भाई रात का बसेरा हो जा। वो कह रहा भाई दूसरी जगह पर थुकन का भी डर लग गया है, इस बाग में जाकर देखूं। कोई सह भी तेरे खोलियो एक दरवाजा। की बात भाई, कोई भी ना बोलता, औट बुटे बाग में भी आदमी तो पाना चाहिए। फिर रुक के मार के देखो, खोलियो दरवाजा एक बार, खोलियो। ओहो कौन आ गया गैर टाइम, सांझ हो रही से भी रहना कुल्ला देखो कौन हो। एक बार दरवाजा खोलो जी, फिर बताऊंगा, खोलियो एक बार। कौन हो तुम्हें? राम राम, राम राम जी। राम राम। मैं एक परदेसी आदमी हूँ जी, आड़े रुकना चाहूँ एक रात खातिर। परदेसी आदमी है रुकना चाहो है, दिखता नहीं वो बाग जनाना है, आड़े नहीं ठहर सकता तू। आड़े ते जी कितने लेख भी नहीं रखा के, आड़े कितने घाघरा टांग रखा के भाई जनाना बाग है। अरे मैं कह लाग रही की यो जनाना बाग है, आड़े नहीं ठहर सकता तू। न्यू है जी, इब गैर टेम हो रहा, रात उन नोरी, अनजान आदमी में शहर में किसी अनजान दा नहीं, अरे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर एक काम कर, रात जा करण सिंह की नगरी है, उड़े चला जा। हाँ। और उड़े बहुत सारी धर्मशाला से। अच्छा। और खान पीन का अच्छा प्रबंध से। हाँ। सदा व्रत खुल रहे से, उड़े जाकर ठहर, आड़े बाग में नहीं ठहर सकता, क्यों जनाना बाग से। देखो जी, बाग जनाना हो चाहे मर्दाना हो, मन्नत है जी, एक रात काटने का मतलब है मनाड़े ठहर लेने दो। तन्ने तो रात काटने का मतलब है तू मन्ने मरवा देगा, क्यों? देखे करण सिंह की बेटी नौटंकी आड़े केवरा किस टाइम आ जावा घूमना आया कर बाग में, और उसका कोई बेरा नहीं को डाना आ जावा, तो मन मैं नहीं डटने दू तनाड़ करती। ले भाई किस्मत ले तो ठिकाना है, इस मल्लन के पा पकड़ने पड़ जाओ, डटो मई सबाग के कह है। कुछ ना जी, देखे अतिथि घर आ जाने वो भगवान का रूप हो है, आए गए अतिथि रुके लिया एक रात खातिर की हो जाएगा ना। देखिए आजकल कुछ बेरा नहीं पड़ता, चोर हो डाकू हो, न्यू मीठा मीठा बोल बोल करो क्या करा, फिर सब क्या है ना लूट कर चला जा के। ना देखिए मेरी शक्ल के चोर डाकुआ पर गई है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, खानदानी करता हूँ, कोई बात ना, मानस मानस का काम आया रे, मानस मानस ते मिलया रे, आपने भी किरा कद काम पड़ जा। देख परदेसी मैं नहीं रोक सकती कती के बेरा कून चुगली कर दे राजा को जाकर न, और मेरी तो नौकरी जाए जा, तन्ने भी चोड़ मरवा देगी वा नौटंकी। इब सांझ हो रही, कून तेरी शिकायत लाओगा, तड़के उठ के मच ले जाऊंगा। देखे मन कई बार होगी कहती रे, क्यों जिद कर रहा है तू, आड़े मर्द मानस नहीं ठहर सकता। मालन क्यों जिद कर रही है, मैं तो हाथ जोड़े खड़ा हूँ तेरा आगे, रुक लेने दे एक रात मन काटनी है। देखे परदेसी ईब तक कह रही हूँ मेरा जीरा जी, और ईसा काम मत कर, कदे मन तेरा धक्के मारने पड़ जा। काम तो ईसा कर रही है, धक्के मारने नहीं फालतू कर रही है, अतिथि तो भगवान का रूप यार है, जनाना हो जाए मर्दाना हो, रोक ली एक रात खातिर। मैं नहीं रोक सकती, यो देखे राजा रानी का हुक्म से, कोई मर्द मानस आड़े रोक नहीं सकता। जनानी हो तो रोक भी लू, किस कर रोक लू मर्द मानस ने, मरवा होगा मन ने भी। जनानी क्यों कर बनो, मैं दुखी आदमी हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अर मालने तू गृहस्थी आले सारे नियम भूल रही है, गृहस्थी आदमी ऐसा काम नहीं करा दे, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। परदेसी देखे मैंने तेरी बहुत बकवास सुन ली है, ईब तू न्यू करे चुपचाप चला जा रही। ये बकवास नहीं थी जी, मैं ईब भी हाथ जोड़े खड़ा हूँ, रोक लेना चाहिए आपने, धक्के ना मारो मेरा। कित रोकू किस कर रोकू, जनाना बाग से के मेरा घर से, तने मैं रोक लू और क्यों रोक लू।
ईब तू नुकराड़े तो चले जा, घना दुखी मत करे मैंने तू। मन ने बहुत काम से, मन ने देखे नौटंकी का हार भी बनाना है, बताए कितनी बार होगी। न्यू है मालने, मैं तेरे सारे काम करूंगा, यू हार भी बनवा दूंगा मैं, पर तू मैंने धक्के देगा कर दे मत ना, तेरा हार भी बना दूंगा मैं। हार बनाना हुआ तो हार बना देगा तू, हार तो मन नहीं बनाना है, मन और मरवा होगा तू, वाजिब भाई पहचान लेगी ना। मन भाई सारे काम करके देख ली, वो क्या करूं, लोभ तो तेरा क्या काम मोड़ दे, इस टाइम लोभ देना पड़ेगा। के बड़बड़ाव है, के का है? कुछ ना जी, न्यू है, एक रात रुकन दो, आपके सारे काम करूंगा, सिर्फ दो रोटी दे दिए, हार भी बना दूंगा, और ये ले 5 असर भी ले ले, एक रात रुकन दे। ना परदेसी ने अपनी गोज में गाल ले चुपचाप, तन मैं इसी दिखू के मन ने क्या करना है इनका, को बात हुई? देख मालन, एक बात सुन मेरी, तू कति मेरी माँ वर्गी है, इसी शक्ल कति मेरी माँ की, अरन्यू माँ ने आपकी बेबे का छोरा आ जा, उसने भी तो रखोगे तो मेरी बेबे का छोरा, तेरी मेरी जानना पहचानना के बेरा तू किस आदमी से, क्यों कर रोक लू मत ने? अरे मालन, मन न्यू मान ले जाऊ, मैं तेरी बेबे का छोरा हूँ, अर तू मेरी मौसी हो आज ते, अर मौसी देख लो बाली बात को नी, ये तो मौसी मेरे दौरे थी, ले 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 मौसी, अर तन कोई काम नहीं करने दे मौसी। तो परदेसी मेरा दिमाग मत खा, मान जा, अर चला जा शहर में, चला जा तूड़े रुक, मैं तेरा क्यों कर इतबार कर लू, क्यों कर रोक लू तेन, मैं अपने बाग में जनाना बाग हूँ, यो देख गिट्टी अंगूठा मन मार जा तू। मौसी मेरी बात सुन, जे मैंने मौसी कहा है, बेटा कदे अपनी मौसी न मां ना मारिया करे मौसी, अर ये ले मैं तेन और भी असर फी दू, रख ले, अर कोई काम नहीं करन दी मौसी, और भी असर फी दे दूंगा। हाँ, और मौसी तेरे पां दाबूंगा, तेरा ताता पानी करूंगा, तेरी बहुत सेवा करूंगा, और तेरा बेटा बन करूंगा। हाँ ले ठीक से तो भाई आ जा। हाँ चल 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 भीतर चल। अच्छा परदेसी, न्यू कर तू तो आराम कर ले, और मैं ये भी हार बना लू हूँ, बहुत वार हो रही है पहला ही मिनट है। मौसी यू हार किस खातिर बना रहे तू? ओहो नौटंकी ताई बनाया करूँ, रोज सांझ का बनाऊ, तड़के देखाऊ। मौसी हाँ, मैं तड़किया का भूखा बना हूँ, हार मैं बना दूंगा, तू दो रोटी बना दे इतना। ना 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 ना, ना। परदेसी तू मन ने मरुआ होगा, हार तो मैं आप बनाऊंगी, तन आ है भला बनाना हार। मौसी खानदान ही माड़ी है ना, बताई थी तेरे ताई, अरे ईसा हार बना दूंगा मौसी, ईसा हार बना दूंगा, ना तो नौटंकी ने कदे पहरिया होगा, और ना ईसा हार देखा होगा, तू रोटी बना और मैं हार बनाऊ। अच्छा ले ठीक है, ले बना ले तू हार बना ले, मैं रोटी बना लू। ले बेटा फूल सिंह, भगवान ने सुनी, भाभी ने तन्ना मारा था, नौटंकी ने बेले शुरुआत भगवान ने ठीक करवा दी, बढ़िया कर भगवान ने आज रोटियां जुगाड़ कर, नौटंकी का जुगाड़ हो जाएगा, परसों नौटंकी मेरी बहू बन जाएगी, अगले दिन मैं उस नौटंकी ने घरा ले जाऊंगा। सोच तो हूं राजा की छोरी कदे बेरा लग जा, फूल सिंह आड़े फांसी टूट जा, कोई बात ना, भगवान बलि करेंगे। अरे भाई यो आहार हो गया पूरा, आय हाय रे मेरे आर, मेरी नमस्ते दिए मेरी नौटंकी ने जाके, जगह बना जगह बना, आहार के नुजलम बन गया। ले भाई आहार दो अंडी बन गया है, मालन ने दू रजा मेरे यार, रे मेरे आर, गल नौटंकी गला में तू दो चाले। अरे मल्लेने। हाँ परदेसी, क्या कह था? ले यो आहार बना दिया मने। ओ इतना बढ़िया आहार, परदेसी तो बहुत बढ़िया, और देख आऊं सु तू उड़ जाके के कहेगी? वो एक कहूंगी जो रोज क्या करूं, और के कहूंगी मने के भी राम मल्लेने, तू रोज के कहे है? मैं क्या करूं, नौटंकी नमस्कार, लो पैर लो अपना हार, और के तेरा सिर कहूंगी? ना मेरा सिर ना कहिए, मेरी राम राम दे दिए नौटंकी ने, एक बार राम राम दे दिए, तेरी मरवा होगा तू मन परदेसी,
तू सोचेगी कौन आने कने ठहर गया, तू बेरा पटुआ होगा और मेरी नौकरी भी जागी और तू मन्ना कती मरुआ होगा जानते, तू भी गैल मरेगा मेरी। अच्छा तू राम राम नहीं देवे? ना 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 मैं कोई ना दू राम राम, इतना तावड़ा बदल गया तू, ठहरने की गरज थी तेने, हरी राम राम देव है मार करेगी नौटंकी तेने। यो हार तो देवेगी, हार तो ले, यो तो मेरा रोज का काम से, यो तो मैंने देना ही से। तू नुके दिए ने अगर मारे मेरी मौसी का छोरा रे उसने बनाया है, तू मन्ने मरुआ होगा, मैं नहीं को तन बेरा नौटंकी किसी है। न्यू बता यह मैं पूछूं है, वो नौटंकी है किसी? परदेसी, वह बहुत सुथरी है, पतले पतले होठ, अच्छा मोटी आंख, मेरे कैसी लंबे लंबे बाल और मोर किसे कान और मुंह बटवासा और नाक सुवासा और जब चल रहे से ना जब इतनी सुथरी लग गए से मुर्गाई कैसी चाल से उसकी है। परदेसी, परदेसी तू कित खो गया? ना खो गया को ना जी, मैं आड़े ही हूँ। ना 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 आड़े तो ही है, पहला तो बेरा ना ओरे की तो पहुंच गया था मल्ले ने। हाँ वह इतनी सुथरी है तो तू मेरा एक काम कर दे, तना मैं बहुत गुणिया सरफी दूंगा, सोना में लाद दूंगा, तू मेरा ब्याह करवा देना उससे। हैं ब्याह? और तेरा और नौटंकी ता? हाँ भूल जा बावले, तू कीते और वाह कीते वह राजा की लड़की और तेरा को बेरा नहीं आता, पता नहीं कौन कित का है, चुप कर ब्याह कर लेगी तेरी गैले। ठीक से मल्ले ने यो काम ना करवा सकती, पर मेरा यो संदेशा जरूर दे दिए के। हाँ परदेसी मन तेरी सारी सुन ली, फिर मालन हो जाएगा ना मेरा काम, मेरा ब्याह करवा देगी ना। हैं ब्याह? तू आड़े ब्याह कराना हक रात काटना है? वो तो मन नहीं भी रहा, मैं क्या करना रहा हूँ। हैं क्या कह है? कुछ ना मालन, देख मदा तेरे आग हाथ जोड़ू, तेरे पाँ पकड़ू, तेरा के गट है, एक बार कह दिए ले। क्यों कह दू? तू मन ना मरुआ होगा परदेसी, को बात हुई बता कित तू कित हुआ के गट है मालने ने यो मेरा संदेशा देने में। परदेसी कती नहीं कू, तू एक काम करीब। हाँ बता। तू अपने भीतर बैठ जा और मैं हार दिया हूँ सू, और जब आलू ना जब अपना आले तब बोरी बिस्तर बांध के हर चलता बनी बता दिए तेरे तक। ठीक से मालने एक बतू हार तो दिया। हार तो परदेश ने बहुत बढ़िया बना दिया, चाला पैर रखा है, नोटंकी देख कती आज तक खुश हो जाएगी यार ने, के बढ़िया बना देख है, ख्वाब के देख लग रहा परदेसी ब्याह के। कह दिए क्यों कह दू, मन मरना है, चलो ले हार तो देख आऊ, ले राजकुमारी भी श्याम ये बैठी से। नोटंकी नमस्कार जी, पैरो अपना हार जी। हाँ नमस्कार मालिन, ये लो अपना हार जी। वाह वाह आज इतना सुंदर हार, आज तो फूलों की खुशबू भी अलग है और आज तो रंगों का मिश्रण, आह फूल कितने अच्छे हैं, आज तो फूलों की महक, एक बार फिर से ले लो, आह इतना सुंदर, ये मालिन ने तो नहीं बनाया लगता, फिर किसने बनाया होगा। मालिन ये हार तुमने तो नहीं बनाया? नहीं नहीं राजकुमारी जी, मैंने ही बनाया है। नहीं मालिन, तुम हर रोज जो हार लेके आती हो आज का हार तो कुछ अलग ही है। नहीं राजकुमारी जी, हार तो पहले जैसा ही है, आप अच्छी तरह से देख लो, चाहे मैंने ही बनाया है, और भला कौन बना सकता है। देखो मालिन अब तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ ये हार किसने बनाया है, वरना तुम मेरा गुस्सा तो जानती हो ना। नहीं राजकुमारी जी, मैंने ही तो बनाया है, आज सारी रात लागी बनाने में, सारी रात जागी हूँ। देखो मालिन मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हार पहचानती हूँ, लेकिन आज जो हार मेरे हाथों में है वो तुमने नहीं बनाया। नहीं राजकुमारी जी, मैंने ही तो बनाया, और भला कौन बना सकता है, मैं ही तो बनाती हूँ आपका रोजाना, आज भी मैंने ही बनाया है। मालिन सच सच बताओ किसने बनाया है यार। राजकुमारी जी। हाँ बोलो। गुस्सा ना करो तो बता दूंगी। सच बताओगी तो गुस्सा नहीं करूंगी।
असल में है ना मेरे भांजे की बहू आ रही थी। अच्छा, तो ये तेरे भांजे की बहू ने बनाया है? तो वो जिद करने लगी मैं बना दूंगी। मैं क्या करती फिर वो यो राजकुमारी जी उसी ने बना दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कि तूने उसे बनाने दिया। और अब तू ऐसा कर, जाके उसको बुला के ला, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मरवादी परदेसी ने, ईव के करूं, नाटू थी, मत बढ़ाओ, मैं अब बढ़ा लूंगी। ईव कितने लाऊं भांजे की बहू ने, कितने मिलवाऊं इसने। मालिन, क्या सोचने लगी तुम? ना जी कुछ नहीं, बस मैं न्यू सोच रही थी, अब भांजे की बहू ने बुला के लाती हूँ, आपसे मिलवाती हूँ। अब सोचना बंद कर और जल्दी से बुला के ला। ठीक से राजकुमारी, जाती हूँ। हाय बता, ईव के करूं, मरवा दी परदेसी ने, तो कती ईव कितने लाऊं बुलाकर, कदी परदेसी ना चला गया हूं। ईव के करूं, अच्छा लोभ आया मन 10 रुपया का, ना लियो जब बढ़िया था। ईव के करूं, हाय कदी परदेसी ना चला। रे परदेसी, परदेसी जाना नहीं रे, कदे चला ना गया हो रे परदेसी, परदेसी जाना नहीं। मरवा दी के करूं ईव के बात मालने, किसे सासा पर रेमा की तेना गया, क्या देखा बरारी की होया? मरवा दी तन परदेसी, मैं कती मरवा दी छोड़े है। क्यों ईव के करूं, क्यों होया? बस पूछ मन्ना, तू चले मत जाइए ईव बाड़े रहे, मन देख रात रुकना था, मत जाऊं ईव ना। परदेसी तू चला गया तो मैं तो कती मर जाऊंगी। ईसा क्यों होया? न्यू बुझ के ना होया, क्यों बताओ बीगी मालिन, जब बेरा लग गए उन्हें सांस क्यों चढ़ रहे तेरे? उन्हें तो बेरा पट गया, हार मन्ने को नहीं बनाया। उसने की बेरा लग गया, हार तो ना बनाया। हाँ। फिर तो ना बनाया नहीं था तू, उसने कह दे हार तो परदेसी ने बनाया। परदेसी तेरा नाम लूंगा, जब भी मिलना था मैंने तो, और मैं तो ईबी मर गई। ईबी क्यों हो गया बता दे दे। ई मन ने उस तन्यू कह दी, यो हार मेरे भांजे की बहू ने बनाया से। फिर इस मरण की क्या बात होगी, अपने भांजे की बहू ने ले जाए उड़े। किसने ले जाऊंगा मैं, कितने लाऊं भांजे की बहू? फिर मैं क्या कर सकूं मालने? परदेसी तो तू ही कुछ सब कुछ कर सके है, तू ही मेरी जान बचवा सके, मैं तेरा हाथ जोड़ू। मैं क्यों कर बचाऊं तेरी जान ने? परदेसी तू मेरा एक काम कर दे बस। कि तू न्यू कर जनाल ने कपड़े पैर के मेरी गैल चालिक में, मैं जनाल ने लेते पारू। फिर भांजे की बहू तो बनानी पड़ेगी, किसने बनाऊं मैं भांजे की बहू दिखूंगी तो नहीं, ये कोटोट मेरा डैडी खड़ी। परदेसी तू मजबूरी समझ, मेरी घूंघट काट लिए। अच्छा, घूंघट में कोना दिखा तेरी डैडी? मैं जना नहीं लेते जमा नहीं पारू, के हो जाएगा ना, मैं क्यों पारू, मैं तू फंस रही, तू छोड़ जा अपनी बात ने, मैं चल लिया अपने। देखिये परदेसी, मैंने भी तेरी सहायता करी थी रात ने, ईव तू मेरी कर दे। तन्ने क्यों सहायता करी थी, दस असर फी ले रही तू, तू ही अपनी असरफी भी उल्टी ले ले। मैं तेरे अपने पाँव पकड़वा ले परदेसी, तू कर दे मेरा यो काम है। मालने तन्ने दो मेरा घना नुकसान कर दिया, रिश्तेदारी होने दा पहले तडवाण के काम कर दिए। परदेसी मैंने तेरी सारी सुन ली है, ईव तू एक काम करे, भीतर ने जाकर साड़ी बांध ले और मेरी गैल चाल। मठ करवा दिया मालन, तन्ने भी उड़े मेरा बेरा पट गया तो मुश्किल हो जाएगी। ओहो घूंघट काट लिए ना, क्यों कर बेरा पटेगा, कोई नहीं बेरा पटे, चल। ठीक से साड़ी कड़ा है? साड़ी भीतर धरी से। ठीक से मैं बांध गा हूँ, मरवा दे दिए। हाँ मालने, हाँ कितने तो न्यू तो नहीं दिखा है भाई, मर्द मानस है। ना कितनी नहीं दिखता, बस घड़ा तेज मत चालिए तू, सहसे चालिए मेरी गल्ला, कदे मारा दबड़की। ना दबड़की ना मारू, चाल तो मैं सहज सहज पढ़ूंगा। पढ़ूंगा मत कह, और पढ़ूंगी। अरे यो काम भी करना पड़ेगा। हाँ। सारे मतलब ई की मात्रा लाए जा। हाँ बस ई की मात्रा याद रखिए, बता दी है, अन्ना तो पिछड़ जाएगा, मन न मरवाओगा तू। न कोनी पिछड़ू, चल तौली तौली चल फिर। परदेसी मेरे पाछे न ओले, तेरी साड़ी उड़ा है, ये गट्टे दिखे है। अरे फिर कित ले जा गट्टा, मैं के रोज बांधू हूं। साड़ी ने तले कर ले थोड़ी सी, ले कर ली, मरवाओ तगाइयो मैंने आज ये राम पीछा छुटाइये, क्यों करे नहीं, क्यों कर राजकुमारी ते कुछ ना हुआ मालने, तौली ही तू एक बार राजकुमारी ने मिलवा। वाह राजकुमारी उड़े पावेगी, इतना तेज मत ना बाजे, बेरा पट जाएगा। अच्छा। देख आगे महल आ गया है। ठीक से
अरे कोई बोला तो बोलिए मत ना। नहीं को बोलेगा तो एक ही मात्रा ला दे। हाँ, एक ही मात्रा ला दिए। और बात सुनी परदेसी, देखे डोडी पर अंधा खड़ा है। अच्छा, घनी बात में तुम्हारी है, सीधा लिख लिए बराबर का है। अंधा बट सही इसने के दिखे मां। हां हां ना, यो पहचाने बोता वाला है तन्ना बेरा इसका, मेरी बराबर के लिख लिए, बात तो माफ कर लूंगी इसका। चल कौन हो, कौन हो? ओहो मैं हूँ मालने, और कौन हो था? अच्छा अच्छा मालन है। यो कौन है तेरी गेलिया? या तो मेरे भांजे की बहू से राजकुमारी से मिलन आई है। मालन क्यों बकावे है, मेरा रोज गाना काम साड़े, मने इसमें मर्द मानस की खुशबू आन लाग रही, मैं झूठ ना कहूँ, यो बहू हो ही नहीं सकती। मैं के झूठ बोलू हूँ, राजकुमारी ने बुला रखी है, जान दिया हमने। मालन यो पहुंचा किसी बीरबानी का नहीं हो सकता, यो किसे लड़दू का पहुंचा दिखे से मने। मेरी बात सुन रहे हैं दे? ये ले 5 सिर्फ और फालतू बोलिया तो तेरा काम हो जा। ओ जाओ 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 जाओ, ठीक से कोई बात ना, जाओ। हाँ ठीक है, चल मालन मित्रन चलो। राजकुमारी जी नमस्कार, ये मेरे भांजे की बहू है, मैं ले आई हूँ इसने। अच्छा ये है तुम्हारे भांजे की बहू? राजकुमारी जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा मालिन यू करो, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। ठीक है राजकुमारी जी, नमस्कार, मैं चलती हूँ। राजकुमारी जी ये मेरा बनाया हुआ हार आपको कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर लगा, इसीलिए तो तुझे मिलने के लिए बुलाया है। इतना सुंदर हार मैंने पहले ना तो कभी देखा था और ना कभी पहना, और तुम इतना सुंदर बनाती हो, जिन हाथों ने इतना सुंदर हार बनाया है, जरा उन हाथों को छू के तो देखूं, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। देखो राजकुमारी जी, जरा आराम से हाथ को पकड़ना, क्योंकि ये हाथ बड़े नाजुक है। हाथ तो बहुत कोमल है, जैसा हार बनाया था वैसे ही खूबसूरत हाथ है, और जो आकर्षण उस हार के अंदर था ठीक वैसी ही कशिश इन हाथों के अंदर भी है। राजकुमारी जी आप बड़े सुंदर हो। क्या हुआ आपकी आवाज को? नहीं कुछ नहीं राजकुमारी, गला खराब है मेरा। अच्छा तुम कलाकार तो बहुत अच्छी हो। राजकुमारी जी आप भी तो बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताओ मेरे को, आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अब तक कुंवारी हो आप? हाँ। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ तुमने घूंघट क्यों निकाल रखा है मुझसे? राजकुमारी जी मुझे शर्म आती है। अच्छा। राजकुमारी जी आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? मेरी शादी इसलिए नहीं हुई कि हमारे यहाँ एक दानव रहता है। अच्छा। और वो हर रोज एक आदमी की बलि लेता है, और मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है कि जो कोई उस दानव का वध करेगा मेरी शादी उसी से होगी, और अभी तक कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। अच्छा तो ये बात है राजकुमारी जी। हाँ और तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो, जैसे माला बनाती हो वैसे ही बातें हैं। आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। नहीं राजकुमारी मैं नहीं रुक सकती। क्यों, क्या बात हुई? मेरे 4 बच्चे, उनको कौन चाय बनाएगा, और मेरे पति तो बिल्कुल नहीं रह सकते मेरे बगैर। देखो कुछ भी हो, आज रात तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, और इतनी अच्छी सखी मिली हो तुम मुझे, बहुत सारी बातें करनी है, और मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि हम दोनों में से एक मर्द बन जाए, और एक ऐसे ही, फिर तो सारी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो राजकुमारी जी आपकी ये इच्छा है क्या? हाँ। आप नाराज तो नहीं होगी? नहीं तो तुम क्या करने वाली हो? तो ठीक से राजकुमारी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, लो पूरा लंबा ठाडा मर्द मानस आपके सामने खड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे महल तक पहुंच गए?
मैं अभी अपने पिताजी को बुलाती हूँ और तुम्हें फांसी का हुक्म दिलवाती हूँ। राजकुमारी तुम मंद कही थी भगवान दाई बे एक मर्द मानस बन जा मारा मत गुस्सा क्यों हो रही हो बदलो क्यों अपनी बातें दे। नहीं तुमने और माली ने मुझे धोखा दिया है तुम दोनों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा फांसी तो तुम्हें होगी ही। साथियों नौटंकी ने फूल सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। फूल सिंह को पकड़कर जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा उसे सजा के रूप में फांसी का हुक्म देने लगे तो कुछ दरबारियों ने कहा हे राजन यदि इसे दानों की भेंट चढ़ा दिया जाए तो आज के नाम का एक व्यक्ति बच जाएगा। राजा इस बात से सहमत हो गया। जब फूल सिंह को दानों के सामने ले जाया जाने लगा तो उसने कहा मैं एक क्षत्रिय हूं मुझे यूं ही खाली हाथ दानों की भेंट चढ़ा रहे हो मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूं हो सकता है मैं उसका वध करने में सफल हो जाऊं। इस पर फूल सिंह को हथियार दिए गए और फूल सिंह ने दानव के साथ युद्ध करके उसे मार दिया। दानव के मरने से राजा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। अब वचनानुसार राजा ने नौटंकी का विवाह फूल सिंह के साथ कर दिया। नौटंकी से विवाह करके फूल सिंह मुल्तान शहर से श्यालकोट आया और आगे क्या होता है। भाभी कौन सा है? भाभी री मैं हूँ फूल सिंह बाहर आए गए। अच्छा फूल सिंह। हाँ भाभी न्यू क्यों कराया तू आज? एकला ना रहा भाभी आँख खोल के देखे। या कौन सा है? भाभी या तेरी दुरानी? मेरी दुरानी? हाँ भाभी। जा ना तू अड़े ते केवरा कौन कितकिन पकड़ के ला रहा सा तू? ना भाभी न्यू के मिले मत ले रहा हूँ। और भाभी नौटंकी है या बात याद कर ले अपनी तने के कही थी और मैं के कह कर तले किड़िया था। छोड़ दे ना फूल सिंह तेरा कितकी नौटंकी आवेंगी। अरे भाभी भी सख मान रही है। भाभी इसका मुंह खोल कर देख तेवाड़ा खा कर पड़ जाएगी चांद सा लेकड़ा होगा भाभी घर में इसने भीतर ले चल। जा ना तू अड़िए ते के बरा कौन कितकी आ रही। भाभी हाँ एक बार मेरे कहते देख मैं हाथ जोड़ू तेरा आगे एक बार इसका पल्ला उठा कर देख ली इसका घूंघट खोल कर देख ली। ओ ईसा के सा घूंघट में लाट पर ले राम इसे सुथरी बहू साला पैठ गया गाम में तरुक का पड़ जाएगा फूल सिंह की बहू तब बस बहू ऐसे देख क्यों कर चांद सा खेल रहा सा फूल सिंह। हाँ भाभी तन तन्ना मारे भाभी एक नौटंकी ने लिख आई है तो भाभी तेरा जो बात थी हमने पूरी करके दिखा दी। ना तन्ना तो पूरी कर दी फूल सिंह। हाँ भाभी पर मन तन्ना आत्मा तो नहीं मारा था। अच्छा भाभी मैं न्यू चाहूँ थी तेरा ब्याह हो जा और तू के न्यू सोचा सा घर तो लेकड़े पाछा हम सुख पाए सा हमने तो सोच तेर उठ तेर बैठते देखे तू दिखा था मारे तो कलजे का टुकड़ा दूर चला गया मारे ते बावले तेरा भाई ता देखे न्यू भीत्या का टक्कर मारता अंडा और मने तो दिन देखा न रात न्यू राम रटती एक फूल सिंह आ जा बस मन नहीं चाहिए कि मैं भी तू नहीं समझ सकता या माँ की ममता बहुत बड़ी चीज हो सा फूल सिंह। ठीक है मैं समझू सु बस भाभी का चमन क्यों करे है। ठीक आ जा दोरानी भीतर आ जा। हाँ चल भीतर ऐसे ऐसे चल के पाया दारी है भाभी फिर इसी से भीतर ले जाएगी। ना ना तू तो पहले से बता या तो हड़ो मारी वंश बेल बधान आ रही है और तू मारे गल साजे भीतर आ जा ला थारे पूरे ब्याह के रंग चा करूंगी मैं। ठीक भीतर आओ। अच्छा